दोस्त किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, अरे बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। दोस्त आज मैं एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने अपने मेहनत के दम पर अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए दिन रात एक कर दिया। दोस्त इनके पिताजी बहुत गरीब थे और वो एक रिक्शा चालक थे, रिक्शा चलाने का काम किया करते थे और घर का हालात इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था कि अब उसे खाने तक का खर्च जुटाना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। पिताजी को फाइनेंशियल हेल्प मिले इसके लिए उसके दोनों बेटे ने किसी होटल में काम करने लगा और साथ में पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहा था। लेकिन दोस्त अपने घर का हालात को देखकर इसके छोटे भाई ने पढ़ाई छोड़कर काम करने पर फोकस कर दिया और अपने बड़े भाई से कहने लगा कि भैया हम तो पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं हैं लेकिन आप बहुत अच्छे हैं और तेज भी हैं, इसलिए आप अपना पढ़ाई नहीं छोड़िएगा, भैया आप पढ़िए और हम काम करके आपको पैसा भेजा करेंगे। यार इतना बात सुनकर बड़े भाई की आंखों में आंसू आने लगा और अपने छोटे भाई को गले से लगा लिया और कहने लगा कि तू छोटा भाई होकर बड़े भाई का फर्ज क्यों निभा रहा पगले। तो यार उसके छोटे भाई ने जवाब दिया कि भैया पिताजी का हालात अब देखा नहीं जाता, भैया आप पढ़ने में अच्छे हो, मुझे विश्वास है कि आप ज़रूर एक दिन कामयाब हो जाओगे। लेकिन दोस्त अपने छोटे भाई को अकेला काम पर कैसे छोड़ सकता था, यार उसका मन नहीं मान रहा था। लेकिन दोस्त एक दिन की बात है जब उनके पिताजी को सरकार की तरफ से घर कुल योजना मिली थी और जब उनके पिताजी उस योजना का लाभ उठाने के लिए अपना चेक लेने गए थे तो पता है वहाँ का ऑफिसर ने क्या जवाब दिया। उन्होंने बोला कि आपको 3000 का रिश्वत देना होगा, आपको 3000 मुझे देना होगा तभी आपका चेक को पास किया जाएगा। और दोस्त ये 3000 कमाने में कितना मेहनत लगता है उसके बेटे अच्छी तरीके से समझ रहा था और उनके पिताजी ऐसे हालात में भी 3000 रुपया दे दिए। और फिर उसके बेटे के अंदर यहीं से आग लग गया कि हमें अधिकारी ही बनना है ताकि हम जैसे गरीब लोग जो अक्सर करप्शन का शिकार हो जाते हैं उनमें मैं सुधार ला सकूं। तभी उसने डिसाइड किया, उसने सोचा कि मुझे यूपीएससी ही क्लियर करना है चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। और दोस्त इन्होंने अपने पिताजी और छोटे भाई के सहयोग से पुणे में अपना तैयारी को प्रारंभ कर दिया। दोस्त इनके तैयारी के दौरान पैसे की बहुत दिक्कतें आई फिर भी ये हार नहीं माने क्योंकि इसका छोटा भाई होटल में काम करके महीने का जो सैलरी मिलता था वो पूरा सैलरी बिना एक रुपया रखे अपने भाई के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता था ताकि पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए। दोस्त एक छोटा भाई का अपने बड़े भाई को पढ़ने के लिए पैसा भेजना और एक पिता का दिन भर रिक्शा चलाकर अपने बेटे के लिए पैसा भेजना, ये सभी चीज़ें उसका सबसे बड़ा मोटिवेशन बन गया। और यार ये सब सोचकर उनको रोना आ जाता था और अपने छोटे भाई का त्याग और पिता का मेहनत वो लड़का को पढ़ाई में इतना बिजी कर दिया कि अब उसे रात और दिन में कोई फर्क महसूस नहीं होने लगा था। उसने ये प्रण कर लिया था कि हमें जितना जल्द हो सके कामयाब होना है ताकि मेरे भाई का इतना सेक्रीफाइसेस और पिता का मेहनत रंग ला सके और वो गर्व से कह सके कि जिनके लिए हमने इतना त्याग किया वो त्याग सफल हो गया। और दोस्त वो कहते हैं ना कि समस्याएं चाहे कितनी भी आ जाए अगर आप सच्चे मन और लगन के साथ पढ़ाई करते हो ना तो आपको सफलता एक दिन ज़रूर मिलती है। और दोस्त जब यूपीएससी का रिजल्ट आया ना तो पहले ही अटेम्प्ट में हिंदुस्तान का सबसे यंगेस्ट आईएएस बन के दिखा दिया। और पता है उसका नाम क्या है, आप लोग सभी जानते होंगे, आईएएस शेख अंसार अहमद। और फिर
इनके पिताजी और अपने छोटे भाई का त्याग सफल हो गया और वो आज गर्व से कहते हैं कि मेरा भाई आईएएस है। और दोस्त पता है, जब इनका मीडिया चैनल पे इंटरव्यू हो रहा था तो उस इंटरव्यू के दौरान उनसे एक सवाल पूछा गया कि अंसार, आज अगर आप पीछे मुड़कर देखते हो तो आपके लाइफ का कोई ऐसा चीज़ जिसे आप बदलना चाहते हो? तो पता उसने क्या जवाब दिया? उसने जवाब दिया कि मैं चाहता हूँ कि मेरा बचपना फिर से वापस आ जाए और जिसमें मेरे पिताजी आईएएस ऑफिसर हो। और इनका ये लाइन सभी दर्शकों का दिल को जीत लिया। तो दोस्त, ये एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मैं आपको मोटिवेट करना चाहता था, मैं आपको एक मैसेज देना चाहता था कि एक रिक्शा चलाने वाला का लड़का अगर आईएएस बन सकता है तो हिंदुस्तान का हर एक बच्चा, चाहे वो कितना भी गरीब क्यों ना हो, वो भी आईएएस बन सकता है।